हेलो फ्रेंड्स, मु प्रियंका आपण मानको ओडिया बहु यूट्यूब चैनल रे स्वागत करू छी। फ्रेंड्स, सिंदूर रे एही गोटे जिनिस रखिबा बहुत शुभ अटे। ता सहित आपण को कहिबे कि पीरियड समय रे सिंदूर लगेबे ना नाही। सिंदूर पड़ीबा द्वारा आपण को कोन संकेत मिले आ एक एपरी भूल जहां प्रत्येक महिला मथा रे सिंदूर लगेबा समय रे करंती, किंतु एही भूल को आपण अनदेखा करंतु नाही, कारण यह आपणकर परिवार को कष्ट आनी पारे। खास करी आपणक स्वामींकर मृत्युर कारण बनी पारे आउ आपणक स्वामीर आपणक ठारु दूरतर कारण मध्य होई पारे। तो पूरा कथा को जानिबा पई आपण आज रही वीडियो टी को पूरा देखंतु। फ्रेंड्स, हिंदू धर्म रे विवाहित महिलांक जीवन रे सिंदूरर एक खास महत्व रहिछि। आपण हिंदू धर्म रे सब विवाहित महिलांकु सिंदूर लगाउथिबार अवश्य देखिथिबे। हिंदू धर्म मान्यता अनुसारे सिंदूर को विवाहित महिलांकर सुहाग्र प्रतीक बोली माना जाए। विवाह समय रे मध्य सिंदूर दान करिवार विधान रहिछि। एहा परे ही विवाहर विधि को पुण्य बोली माना जाए। गोटे थर विवाह होई गला परे सब विवाहित महिलांकु सिंदूर लगेबा जरूरी अटे। बदलुथिबा आजिर ही समय रे किछि लोक एही मान्यता को मानु नाहंती। आजिकाली किछि छियो विवाह परे भी बिना सिंदूर रे आपण देखिथिबे सेमानकु। किंतु फ्रेंड्स, आपण जाने एहा आश्चर्य हेबे कि हिंदू धर्म रे बना जाइथिबा एही परंपरा रो केवल धार्मिक महत्व नाही, परंतु एहार सुंदर भूमिका वैज्ञानिक महत्व रे मध्य रहिछि। धार्मिक मान्यता अनुसारे सिंदूर लगेबार किछि नियम रहिछि जहार पालन करिबा अनिवार्य अटे। सिंदूर लगेबार जहाँ भी नियम कुहा जाइछि सबु विवाहित महिलांकु एही नियमकु विधि पूर्वक पालन करिबा जरूरी अटे, अन्यथा जीवन रे समस्या आसी जाए एवं तांको स्वामींकर जीवन रे कष्ट आसी जाए। जेउ महिला सिंदूर लगेबार नियम पालन करि नाही एपरी महिला को स्वामी को धन एवं स्वास्थ्य संबंधित समस्या रा सामना करबा को पड़ी थाए। तो आसंतु जानिबा सिंदूर लगाइबार कौन नियम रहिछि जहार पालन प्रत्येक महिला को करबा जरूरी अटे। किंतु फ्रेंड्स, ताहा पूर्वरु आपण को अनुरोध कि वीडियो को आपण कोडे लाइक करंतु आ शेयर करंतु। मां लक्ष्मी को कृपा पाइबा पई कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखंतु। नंबर 1, विवाहित महिला को सबुबेले सिंदूर निज टंकारे किनिकि लगाइबा उचित। कोनसी अन्यर टंकारे किना जैतिबा सिंदूर लगाइबा थारु वंचित रहिबा उचित। नंबर 2, परिस्थिति जहा भी हेउना काहेकि विवाहित महिला को कोनसी अन्य महिला रा सिंदूर को आनि निज मथारे भरिबा उचित नहे। अन्य महिला रा सिंदूर को निज मथारे भरिबा बहुत ही अशुभ होइथाय। एपरी करूथिबा महिला को स्वामी को धन संबंधित समस्या रा सामना करबा को पड़ी थाए। नंबर 3, विवाहित महिला को उपहार रे मिलिथिबा सिंदूर को उपयोग करबा थारु बंचिबा उचित, कारण शास्त्र अनुसारे उपहार रे मिलिथिबा सिंदूर रो उपयोग करबा अशुभ माना जाए। नंबर 4, एहा सहित केबे भी महिला को सिंदूर लगाई गाधेबा उचित नहे। सबुबेले गाधे सारी पूजा पाठ करी सारी सिंदूर लगाइबा उचित। सिंदूर लगाइबा समय रे सबुबेले निज स्वामींकर लंबा आयु और सफलता विषय रे चिंता करबा आवश्यक, जहा द्वारा तांकर भाग्य एवं शक्ति आहुरी बढ़िबो एवं मथारे सिंदूर लगाइबा समय रे मां पार्वती को आपण ध्यान रे रखंतु, कारण अखंड सौभाग्यवती बरदान आपण को मां पार्वती ठारु प्राप्त होइथाय। नंबर 5, फ्रेंड्स, आपण पीरियड समय रे सिंदूर लगांतु नाही, कारण सिंदूर एहि समय रे लगाइले सिंदूर रो अपमान होइथाय। नंबर 6, सिंदूर तळे पड़िबा बहुत बड़ अशुभ बोली माना जाए, एथिपाई एहाकु सबुबेले पिलांक ठारु दूर रे रखंतु। जदि आपण एहाकु इमिति जागा रे रखंती जेमिति पिलांक हाथ बाजी के हा तळे पड़िबो एमिति करंतु नाही, कारण सिंदूर जदि तळे पड़े तो घर को अशुभतार आगमन हुए। नंबर 7, सिंदूर को केबे भी कहा सामना रे लगांतु नाही। कहा सामना रे सिंदूर लगाइबा द्वारा आपणकर संपर्क रे नजर लागि पारे एवं आपणक स्वामींकर प्रेम मध्य कमी जाय पारे। एथि पई सिंदूर लगाइबा समय रे सबु बेले मुंड रे ओढणी देके सिंदूर लगांतु। नंबर 8, मथारे सिंदूर लगाइबा पई आपण सबु बेले सुखिला सिंदूर रो व्यवहार करंतु। आपण लिक्विड सिंदूर व्यवहार करंतु नाही, माने आपण कुमकुम को व्यवहार करंतु। नंबर 9,
जदि भूल रे आपणक सिंदूर तळे पड़ी जाए तो आपण ताकु एकाठी करी रखंतु एवं प्रथमे मां पार्वती को क्षमा मागंतु जहा द्वारा विपद मध्य ढळी जाए। नंबर 10 जदि आपण सुखिला सिंदूर को ठीक नियम रे लगाउ नाहंती तो हया बहुत ही अशुभ होइथाय। आपण एहाकु झिंक कंटा बा रूपा काठी द्वारा निज मथारे लगांतु नहले फ्रेंड्स आपण हळदी काठी रे मध्य कुमकुम को लगाई पारिबे। नंबर 11 शास्त्र अनुसारे जेउ महिला निज मथारे सिंदूर को चुट्टी मध्यरे लुचाई थांती तो तांको स्वामी को समाज रे मान सम्मान मिली पारे नाही। समाज रे एवं संपर्कियों ठारे से सब बेले लुचिकि ही रही जांती। नंबर 12 फ्रेंड्स शास्त्र रे हा स्पष्ट भाबरे कुहा जाय छि कि सिंदूर को सब बेले नाक सीधा मथारे लगाइबा उचित। केबे केबे महिला बंका करी चुट्टी कुंडाई थांती आ बंका करी सिंदूर को मध्य लगांती तो शास्त्र एपरी करिबा पूरा पूरी अशुभ अटे। नंबर 13 नव विवाहित कन्या एहार ध्यान निश्चित रखंतु जहां विवाह समय मथारे सिंदूर लगा जाय थाए तो ताकु आपण संभाळिकि रखंतु एवं किछि विशेष कार्य किबा विशेष पूजा घरे हुए तो आपण से सिंदूर को पूजा करि व्यवहार करंतु एहा द्वारा आपणक कार्य रे सफलता मिलिथाय एवं आपणक परिवार रे सुख समृद्धि बढ़िथाय। नंबर 14 आपण सिंदूर रे गोटे पैसा निश्चय रखंतु एहा को बहुत अधिक शुभ माना जाए एपरि कले आपण को माता पार्वती आशीर्वाद मिली थाए एथि पई आपण आपणक सिंदूर रे गोटे पैसा पकाई रखंतु। नंबर 15 केते जण महिला ब्यूटी पार्लर जानती एवं सेठी जेउ भी महिला बा मेकअप करिबा पई थांती से माने निजो आपणक मथारे सिंदूर लगाई दियंती किंतु एहा अशुभ होई थाए सबुबेले आपण सिंदूर को निजे ही लगांतु किबा निज स्वामी को हातरु लगांतु एहा अधिक शुभ होइथाय। जदि आपण को स्वप्न रे सिंदूर देखा दिए तो एहा को बहुत अधिक शुभ माना जाए स्वप्न रे एहा को देखिबा को एपरी माना जाए कि आपण को आपण को परिवार तरफ रु कोनसी बड़ खुशी खबर मिलिबा को जाउची। जदि कोनसी अशुभ आपण को सहेबा को थाए तो ताहा मध्य ढळी जाइथाय। फ्रेंड्स जदि कुआरी स्त्री को स्वप्न रे निजे सिंदूर लगाइबार देखा दिए तो यार अर्थ तांकर मन चाहूतिबा पुओ सहित विवाह हेबो। फ्रेंड्स जदि घरे आपण आपण को स्वामी को सह लड़ी झगड़ा हेउथाय तो एही सब को दूर करिबा पई आपण सोरिष तेल रे टिके सिंदूर मिसाई आपण को घर रो मुख्य द्वार रे स्वास्तिक किंबा ओम रो चिन्ह बनांतु एहा द्वारा आपण को स्वामी को प्रेम आपण को पई अधिक बढ़िथाय एवं झगड़ा दूर होइथाय। जदि आपण ऑफिस रे काम करूथांती हो मथारे सिंदूर लगाई पारंती नाही तो आपण कम से कम आपणक घरर पूजा पाठरे बा शुभ मांगलिक कार्य रे आपण निश्चय मथारे सिंदूर लगांतु कारण एहा विवाहर प्रतीक होइथाय। आउ आपण जेबे भी एही सब अवसर रे सिंदूर लगाई पूजा पाठ करंती तो ताहार फल आपणक निश्चय मिलिथाय। तो फ्रेंड्स आजर वीडियो आपणक किपरि लागिला आमको कमेंट करके निश्चय जणैबे।